नमस्कार, मैं हूं दीपांग और ये जो सेशन है इसका नाम आप देख सकते हैं रीविजिटिंग द मैजिक। और इसमें हमारी मदद करने के लिए आशा पारेख, आप सब जानते हैं, और जीना तमान, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके माइक होंगे और आप माइक को लेंगी तभी आपकी आवाज आएगी। जी, माइक चालू है। ऑन इज इट कैन यू हियर मी? ग्रेट। ये अभी गाना बज रहा था यादों की बारात फिल्म से। जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। जी। और ये गाना जो पिक्चराइज किया जाने वाला था, शायद कम ही लोग जानते हों, वो आप पर पिक्चराइज करने की बात थी आशा जी? नहीं, सुनिए, आशा जी नासिर हुसैन साहब की म्यूज थी। जो खूबसूरत फिल्में इन लोगों ने साथ में किया है, इम्पॉसिबल टू रिपीट। क्या काम किया था आपने कारवान में। थैंक यू। कितने सारे आपके टाइटल्स हैं। यू वर जस्ट सो मैग्निफिसेंट एंड सो वंडरफुल, स्पेशली विद नासिर साहब। क्या म्यूजिक, क्या गाने, इट वाज सो टेरिफिक। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं थी। 72 में शायद हम लोगों ने शूटिंग की और 73 में फिल्म रिलीज हुई। आई वॉज अ किड, यू नो, आई हैड जस्ट जॉइन फिल्म। तो नासिर साहब और मैं उनके फिल्म में, ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। एंड यू नो नासिर साहब इन हिज म्यूजिक, तो ही हैड द सेंस ऑफ म्यूजिक। तो म्यूजिक बहुत ही अच्छा होता था उनका, हर पिक्चर में बहुत अच्छा था जी। आपका आप कुछ कहिए ना, आपके एक्सपीरियंस के बारे में उनके साथ। मतलब मेरी पहली पिक्चर जो थी एज अ हीरोइन, इट वॉज डायरेक्टेड बाय हिम एंड ही सिलेक्टेड मी टू बी इन दिल दे के देखो। तो नेचुरली एक बॉन्डिंग होती है। सो एनी हाउ, ये जो गाना था ये आप पे पिक्चराइज हुआ था एंड आई थिंक यू डिड अ फैबुलस जॉब। थैंक यू, आई एम अ बिग फैन। थैंक यू। ये खासियत है, देखिए बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है आप दोनों की उम्र में। नो कमेंट, व्हेन यू गो आउट आई एम गोना शूट यू। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी बचाता हूँ, इस सवाल से पीछे हटता हूँ। और पर ये फिल्म आपको ऑफर हुई थी या बात हुई थी या आपने मना कर दिया था या ऐसा कुछ था या आपको एक और कोई रोल दिया गया था, या मैं इस फिल्म से के सवाल से हट जाऊँ? आप ये पिक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें जीनत जी थी, ये जीनत जी बताएंगी क्या हुआ था। आप ये पूछ रहे हैं कि ये फिल्म उनको ऑफर, नहीं, आई डोंट थिंक सो। उनको विजय अरोड़ा के साथ थोड़ी कास्ट करने वाले थे वो। अच्छा, विजय अरोड़ा नहीं। नो, सो आई डोंट थिंक सो। वो रोल लाल कपड़ों वाली मेम साहब, वो तो आई डोंट थिंक तनाशा जी वुड वाज thought about for that role. My, am I right? I won't say anything. No, say, because I don't know. I did a film with Vijay Arora. I had a double role in it. But don't remind me of the film because it was one of my life's most horrible film which did not even run for really? 2 days. So were you offered this Yaadon Ki Baraat role? It's a long story. Anna, tell us a long story. We want to know. नहीं, ये था कि I was not here. पहले तो मैं अमेरिका में थी, मैं परफॉर्मेंस कर रही थी एंड there was something which Mr. Nasir Hussain said to me which upsetted me. मैंने कहा मुझे नहीं काम करना। तो कहा ठीक है, नहीं करना मुझे काम। I'm sad for you, but I'm happy for me. I had no idea. Chaliye, how lovely to know these stories. Itte saalon ke baad. I wouldn't like to repeat it, but now we all insisted. To maine kaha chalo bata deti hu. Nahi, achhi baat hai. It's history. It's part of history. Ji. Asha ji, ye jo aapne kaha ki aap thoda gussa ho jati thi. ये कहा जाता है कि उस दौर के जितने भी हीरो थे वो आपसे कुछ डरते थे, कुछ सहमे से रहते थे। बड़ा आप गुस्से वाली थी क्या? नहीं, शायद मेरी शक्ल ऐसी थी कि लोग डरते थे मुझसे।
maybe they used to get frightened, they wouldn't come and talk to me. हाँ, मुझे याद है जो मैं पहली पिक्चर फर्स्ट फिल्म विच आई वॉज डूइंग विद जितेंद्र, तो ये होता था कि मेरा शॉट ख़त्म हो जाता था, मैं बाहर चली जाती थी, फिर जितेंद्र जी अंदर आते थे, वो शॉट देते थे, वो बाहर चले जाते थे. तो ऐसे काफ़ी बार हुआ. फिर जब साथ में सोल मीन टुगेदर शॉट लेना था तो फिर थोड़ी थोड़ी बातें होती रही. Then it was okay. But Asha ji, I don't know why, because जैसे मैंने पहले भी कहा है, जो आप स्क्रीन पे हो, you are lovely on screen, but you're much lovelier off screen. You Thank know, you. you're such Thank a you. lovely person. Thank you. So I don't know कि लोग बिल्कुल हाँ जैसे अभी धर्म जी के साथ था. You know, I was working for the first time with धर्म जी, धर्मेंद्र जी. तो आए दिन बाहर के की शूटिंग हो रही थी. अब ये होता था कि एक शॉट ख़त्म हो जाता था, वो इस तरफ मैं उस तरफ. तो तीन चार दिन के बाद जी ओम प्रकाश जी ने कहा कि सवेरे सवेरे शूटिंग पे जा रहे थे दार्जिलिंग में, तो कहा कि मैं आपके साथ गाड़ी में आऊं. तो मैंने कहा जी ज़रूर आइए. फिर कहने लगे मैं बहुत परेशान हूँ. मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, ज़रा टेंशन हो रही है. क्या टेंशन हो रही है? तो बोले नहीं, आप दोनों इतना अलग अलग हो जाते हैं तो ये रोमांटिक सीन्स कैसे करेंगे? तो फिर मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, रोमांटिक सीन्स करना है तो करना है. तो फिर कहानी आप ज़रा उस धर्म जी से बात करिए तो ज़रा थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए. तो इस तरह से हुआ था. आपके जीने जी, आपकी जब आप फिल्मों में काम कर रही थी, कोई ऐसा एक्टर था जो आपसे थोड़ा डरता था, या आप अनअप्रोचेबल आप बन गई हो किसी के लिए, ऐसा कोई ध्यान आता है? आई डोंट नो. मुझे ऐसे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ कि कोई मुझसे डरता है. हम लोग सब अपने आकर सेट पे अपना काम करके इन अ हैप्पी वे, खुशी खुशी करके चले जाते थे. नो, आई डोंट थिंक सो. ये हाँ, जो जब इंसाफ का तराजू जब वो फिल्म बनी थी तो राज बब्बर और दीपक पराशर नए थे, तो हो सकता है उस वक्त देवर अ लिटिल बिट इन ऑ. जी, तो ये एक तरीके से हर दौर में होता है कि सीनियर आर्टिस्ट हों तो जो नए लोग होते हैं वो थोड़ा सा सहम जाते हैं, या आपकी माँ भी थी साथ में इसलिए लोग डरते थे? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था, लेकिन आई थिंक ये दो वाक्य हुए थे. लेकिन आमतौर पे ज़रा हीरो लोग मुझसे दूर ही रहते थे और मैं भी उनसे दूर रहती थी. इस दूरी का आपको कोई नुकसान हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई नुकसान हुआ. आपने आपके हम गाने सुन रहे हैं, आपने आपके बहुत और भी गाने होंगे, आपके पसंदीदा गानों में कौन से हैं? सुनिए, बहुत मुश्किल सवाल है. आर डी बर्मन जी जो थे हमारे साथ, बहुत सारे उनके गाने बहुत सक्सेसफुल हुए, चाहे चुरा लिया हो, चाहे दम मारो दम हो, बहुत सारे. और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी, और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी. मेरी जर्नी जो थी उसमें आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने मिले जो मेरे ऊपर पिक्चराइज हुए. तो मेरी कोई ख़ास पसंदीदा गाना तो है नहीं. आई एंजॉय द जर्नी एंड आई स्टिल लुक बैक ऑन दीज सॉन्ग्स विद ग्रेट फॉन्डनेस. जी आशा जी, आपके पसंदीदा गाने कुछ आप बता सकती हो? उस आप तब भी बहुत गाने थे और बहुत अच्छे गाने थे, और वो तो एक तरीके से वो दौर था जब हिंदी फिल्म म्यूज़िक का गोल्डन पीरियड था. ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरे जितने गाने थे, चाहे पिक्चर चली ना चली, गाने हिट होते थे. तो बहुत मुश्किल है कहना कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है या वो गाना मुझे बहुत पसंद है. वेरी डिफ़िकल्ट. आप गाती भी हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. आप गुनगुनाती होंगी? बिल्कुल नहीं. आपको एक वाक्या सुनाऊंगी. मैं बहुत ही बेसुरा गाती हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ.
ये हुआ था कि हम शूटिंग कर रहे थे कारवां की, और जितेंद्र जी और मेरा वो कितना अच्छा वादा गाना जी वो गाना पिक्चराइज हो रहा था, तो जितेंद्र जी ने कहा कि डांस डायरेक्टर को जो माइक है उसको ज़रा दूर रखना। तो बोले क्यों? बोले मैं बेसुरा गाता हूँ, अब ये पता नहीं कैसे गाती है। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो उसने कहा कोई हर्ज नहीं, आप इधर नज़दीक रख सकते हो क्योंकि हम दोनों बेसुरे हैं। तो ये है, इसलिए मैं गाना नहीं गाती है। जीना जी, आप गाना गाने की आपने कभी कोशिश की है? बिल्कुल नहीं। एंड आई लव्ड इंडियन सिनेमा, आई लव इंडियन सिनेमा, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि हम लोग अपना गाना गाए। यू हैव सच वंडरफुल सिंगर्स, और हम लोग माइम करते हैं और खुशी खुशी माइम करते हैं। दो एक्टर्स के साथ आप लोगों ने काफ़ी फिल्में की, देव साहब और राजेश खन्ना, कैसा था उनके साथ काम करना? अगर मैं आपसे आपसे पूछूं, कैसे कंपेयर करते हैं? आप डिसाइड किससे पूछना, अब उनसे पूछे जी। देखिए, अगर मेरी कोई सक्सेस हुई हिंदी सिनेमा में, इट वाज बिकॉज ऑफ हरे रामा हरे कृष्णा। तो देव साहब और नवकेतन मेरे मेंटोर रह चुके हैं। उनके साथ, उनकी कंपनी में ये फिल्म बनी, फिर इश्क इश्क, फिर हीरा पन्ना, और उनके साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया, डार्लिंग डार्लिंग, कलाबाज एंड अ लॉट ऑफ फिल्म्स। तो मेरे लिए वो सिर्फ मेरे को-स्टार नहीं थे, वो मेरे मेंटोर थे जी। अच्छा जी, आप? देव साहब के साथ मैंने दो तीन पिक्चरें की, और आई फाउंड कि वो बहुत ही अपने में खोए हुए रहते थे, तो ज़्यादा मतलब बातचीत तो नहीं होती थी, लेकिन अच्छा काम हो जाता था। हर वक्त हेलो अशो करके आते थे सेट पे हर वक्त, तो अच्छा था काम करना। और राजेश खन्ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि जब राजेश खन्ना ने शुरुआत की होगी, जब आपके साथ फिल्म की होगी, तो आप बहुत बड़ी स्टार रही होंगी, उन्होंने शुरुआती दिन होंगे उनके एक तरीके से। या बाहरों के सपने से शुरू किया था, तो हाँ, वो वैसे बेसिकली ही वॉज एन इंट्रोवर्ट, कभी ज़्यादा बात नहीं करते थे। दिस इज़ वॉट आई फील। नो नो, यू आर राइट अबाउट काका जी। ही वॉज एब्सोल्युटली, यू नो, यू वुड सिट इन अ कॉर्नर, ज़्यादा बात नहीं करनी। और मे बी शायद बाहरों के सपने जब बनी थी, तो ये उनकी दूसरी पिक्चर थी, और आई वॉज ऑलरेडी यू नो अ स्टार, और बाहरों के सपने मैं करने वाली नहीं थी। उसकी हीरोइन जो थी वो नंदा जी थी, तो नंदा जी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि इट वाज नॉट अ ग्लैमरस रोल। तो फिर मेरे पास आए नाज साहब और कहा कि अब तुम कर लो। मैंने कहा मेरी डेट्स का बहुत प्रॉब्लम है, आपको मेरी अपने डेट्स जो है वो मेरे हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो कहा ठीक है। तो उसमें क्या होता था, कई बार डेट्स आगे पीछे हो जाती थी, तो इसलिए वो एक आध ऐसा वाकया हो गया था मिस्टर राजेश खन्ना के साथ। तब से मैंने कहा कि ये वॉज अ बेसिकली यू नो इंट्रोवर्टेड, और उनको शायद इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी था उस वक्त। रियली? या ही हैड अ लिटिल बिट ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बट वंस ही बिकेम अ सुपरस्टार, देन एवरीथिंग चेंज्ड। आशा जी, आई वर्क्ड विद हिम एंड ही वॉज दी सुपरस्टार। उन्होंने ऑफ कोर्स शक्ति सामंत के साथ ये डन आराधना, विच इज़ अ सुपर हिट। तो उसी कॉम्बिनेशन के साथ शक्ति सामंत और राजेश खन्ना, दे साइन मी फॉर अजनबी। मेरे हाथ पैर कांपते थे और मैं अपने डायलॉग्स रट रट के याद करती थी कि ओ माई गॉश, आई होप आई डोंट मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। जी, तो यू आर अ सुपर स्टार व्हेन ही स्टार्टेड, He was a superstar when I started. जी, तो कुछ ऐसा ही था। अच्छी बात है। ये बताइए कि जब आप फिल्में करती थी, तो कुछ ऐसा था कि इस फिल्म में मैं ये करूँगी और ये तो मैं बिल्कुल कोई भी फिल्मों में कर ही नहीं सकती हूँ? डूज एंड डोंट्स की कोई आपकी लिस्ट थी फिल्मों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नहीं था कि
कि अच्छा आपका कुछ ऐसा था कि मैं ये कर सकती हूँ मैं वो नहीं कर सकती हूँ, ऐसा तो नहीं था या मैं ये पहन सकती हूँ ऐसा नहीं पहन सकती हूँ? पहनने के लिए तो डेफिनेटली, कोई मुझे कहता कि बिकिनी पहनना है तो मैं कहूँगी कि नहीं मुझे नहीं करना काम, नहीं करना, नहीं। पर ऐसे कोई रोल आपके पास आए? नहीं जी, ऐसे कुछ नहीं आया था। लोगों को पहले ही मालूम था कि ये तो करने वाली नहीं? जी बिल्कुल। जलवा था आपका? जैसे आप सोचे। सच आप लोग तालियों में कंजूसी कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। पर आपका कोई डूज एंड डोंट्स था फिल्मों में? देखिए मैं एक कलाकार थी जो अपने डायरेक्टर, मैं एक डायरेक्टर की एक्टर थी, तो जो कहानी का डिमांड था उस हिसाब से आई वुड परफॉर्म। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट जिसने सारे जो एक्टर डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम किया है, ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट, चाहे देव साहब हो, राजी हो, शम्मी कपूर हो, फिरोज खान, संजय खान, अमजद खान, ओपी रलहन, जितने भी यू नो एक्टर डायरेक्टर्स थे उनके साथ काम किया, तो दे वुड ब्रिंग दैट एक्स्ट्रा मैजिक एंड दैट एक्स्ट्रा अपील। तो इट डिपेंडेड ऑन माई डायरेक्टर जी। ऐसी कौन सी एक्ट्रेसेस थी आपके दौर की, जेलसी तो आपको शायद हुई होगी लोगों से, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, जिनको आप एडमायर करती थी आपके दौर में, ऐसी कौन सी एक्ट्रेसेस थी? एक्ट्रेसेस थी उस वक्त, मतलब कि हमारे कॉलीग्स में, यू नो ऑफ कोर्स आशा जी, वहीरा जी, यू ऑल वर ऑल अ लिटिल सीनियर व्हेन वी केम इन। हाँ तो यस, अगर आप मेरे कॉलीग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक तो हेमा जी थी, यू नो वेरी वंडरफुल क्लासिकल डांसर, जो मैं तो बिल्कुल नहीं थी, तो आई रियली लाइक्ड हर फॉर दैट जी। हेमा जी, आशा जी आप? मैं जब भी विजयंती माला जी को देखती थी तो मुझे पता नहीं, आई वॉज अ ग्रेट ग्रेट एडमायरर ऑफ हर्स, बिकॉज जब भी सेट पे आती थी तो ऐसा लगता था कि कोई यू नो क्वीन चली आ रही है। शी वॉज सो सो ग्रेसफुल, सो ब्यूटिफुल, तो आई वॉज अ ग्रेट ग्रेट एडमायरर ऑफ हर्स। मुझे एक वाक्या याद आता है, हम अम्रपाली की शूटिंग हो रही थी एंड द ड्रेसेज विच शी हैड वॉर्न एंड ओ माई गॉड, तो वी वर शूटिंग फॉर तीसरी मंजिल विद मिस्टर शम्मी कपूर, तो उन्होंने कहा चलो चलो जाके देखते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं आना है क्योंकि गेस्ट्स वर नॉट अलाउड। बोले नहीं नहीं मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, चलो चलो तुम। मैंने कहा मुझे नहीं आना है, तो पकड़ के ले गए। अब सेट जो था वो इट वॉज अ राउंड सेट और नीचे विजयंती माला जी डांस कर रही थी, तो हम ऊपर से बैठ के इसे झुक के देख रहे थे। एक शीशा आता था बड़ा शॉट के पहले और उनको मतलब उनके सामने रखा जाता था और मतलब अपने कपड़े वपड़े मेकअप वेकअप ठीक करके फिर शॉट होता था। तो जब आईना आया तो उसने ऊपर से देखा कि हम दो जो है ऊपर बैठ के झांक रहे हैं, तो वहाँ से उन्होंने बहुत ज़ोर से कहा आशा व्हाट आर यू डूइंग देयर कम डाउन। तो मुझे तो बुला लिया, तो शमी जी ने कहा आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर, ही सेज नो यू आर नॉट कमिंग यू स्टे देयर ओनली। फिर शमी जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा नहीं मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं भी नीचे आऊँगा। तो फिर देन वी वेंट एंड सैट, बट व्हाट beauty, she looked so lovely. I also like Nargis ji, huh? But she was not my colleague. नहीं तो आप बोलेंगे कि आप सब एक उम्र के हो, नहीं, you know? I liked her very much. क्या अच्छा लगा उन्हें? I loved her in Mother India. She was so good, so real. जी. जी. ये बताइए कि काफी शरारती थी आप क्या, या कुछ आप तो मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब ये इसमें तो कुछ आप बताने वाली हैं? कोई ऐसी चीज जो शरारत तो करते थे क्योंकि सारा वक्त क्या करें, बैठे बैठे बोर भी हो जाते थे। एक वाक्या हुआ था, वैसे हम शूटिंग कर रहे थे बिन बादल बरसात की महाबलेश्वर में, और मिस्टर बिस्वजीत हमारे साथ थे, लास्ट डे शूटिंग की थी और हम लोगों को वापस आ जाना था हम दोनों को, और शूटिंग आगे चलने वाली थी। हमने कहा कुछ ऐसा करके जाएँ कि ये सब लोग हमको याद रखें, तो हमने जो है कहा कि चलो ऐसे करते हैं,
40 टैबलेट्स ऑफ पर्गोलैक्स चाय में डाल के सबको पिला देते हैं. तो ये होगा कि फिर शूटिंग, तो हमारा जो कैमरामैन था स्टिल फोटोग्राफर, तो बेचारा वो बैठा हुआ था, वो हमको बहुत तंग करता था. तो कहता है मेरा क्या होगा, मैंने तो 2 ग्लास चाय पी ली. मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तुम बाथरूम में ही बैठे रहोगे, तुमको किसी का सर तो नहीं दुखाओगे. तो बेचारा बैठा रहा, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, हम तो निकल आए. जीने जी, आपके शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी? देखिए, मेरा मिजाज बिल्कुल अलग था. आप हमेशा मुझे देखते किताब के साथ. बिटवीन शॉट्स आई वुड बी रीडिंग. दिस इज व्हाट आई वुड डू हमेशा, मोस्टली. एक मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस सवाल पे बाद में आऊँगा, कि आपने बहुत सी गलतियाँ की होंगी अपने फिल्मी करियर में, और उन गलतियों से ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ सीखा भी होगा. कुछ ऐसी सीख आप बताना चाहें जो आपने सीखा हो अपने करियर से, कि एक ज़िंदगी भर के लिए ये सीख है, एक लेसन है. ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था. ये आपस में सलाह हो गई आपकी, ऐसा? फिल्मी करियर में तो नहीं हुआ, असली जिंदगी में तो बहुत कुछ हुआ. ये मुझे असली जिंदगी के सवाल पर ही आना था. नहीं नहीं, अब ये पर्सनल बातें हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नहीं डिस्कस करने वाले. पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं अच्छी शादियाँ होती, जितनी भी जो हमारी बड़ी हीरोइंस हैं, ज़्यादातर की शादियाँ अच्छी हो नहीं पाती. बड़ा मुझको ये बड़ा शादी पर ही सवाल या निशान लग जाता है. आशा जी, आशा जी, आंसर दिस क्वेश्चन. शादी तो कहते हैं ना कि ऊपर से लिख कर आती है, अगर नहीं होना है नहीं होना है, होना है होना है. अब हमारी तकदीर में नहीं था तो नहीं हुआ, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं हुई. आई थिंक यू ऑल विल अग्री विथ मी. व्हाट डू यू से ज़ीनत? एब्सोल्युटली. सी, हर एक की जर्नी अलग है. अलग होती है. एब्सोल्युटली. एंड इट्स बेटर नॉट टू बी मैरिड देन टू हैव अ बैड मैरिज. बिल्कुल. यू नो, और एक बात जो लोग समझते नहीं हैं, जो कलाकार हैं जब वो उनकी शादी होती है तो दे वर्क वेरी हार्ड टू मेक द मैरिज वर्क. मतलब जितने भी जो सैक्रिफाइसेस ये लड़कियां करती हैं, आई थिंक पीपल हु आर नॉट इन द लाइमलाइट इतना नहीं करते, क्योंकि they get married because they want to be married. And I know, jaise quite a lot of the girls, they put up with things that most normal people would not put up with. It's a fact. Bas. Asha ji, par koshishen to hui, aur ek vakya hai, aap ek cafe mein thi, रात के 2 बजे थे, और आप जिनके साथ थी वो अमेरिका से थे, और उन्होंने बताया कि उनकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है, प्रोफेसर थे. मैं आपको बहुत पीछे ले जा रहा हूँ और बहुत मुश्किल जगह ले जा रहा हूँ, इसलिए बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं. ये आप कहाँ की बात निकाल रहे हैं, हम भूल जाए तो अच्छा है. ऐसा ये सब सुनाई दे रहा है आप जो कह रही हैं, इट हैपेंड. आशा जी आप कह रही हैं कि इट हैपेंड. सॉरी, आप कह रही हैं कि इट हैपेंड, ये सुनाई दे रहा है लोगों को. नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा. ऐसा ऐसा वाकई में आपने नहीं कहा. आप इस बारे में बात नहीं करना चाहती? बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी एन अरेंज मैरिज, और अब मैं वो बात को दोहराना नहीं चाहती. जी ठीक है. जीना जी, ये वाकया है कि आपको एक फ़ोन कॉल आया और इन्होंने कहा कि हमें डेट पे चलना है. आपने कहा कि आज ही चलना है, इन्होंने कहा. अब इन्होंने फिर ये बताया आपने कि मुझे, हम लोग तो पार्टी पर जा ही रहे हैं. उन्होंने कहा कि हाँ पार्टी बजा रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ देर पार्टी में रहेंगे और फिर गायब हो जाएंगे.
और मुझे डेट पे जाना है तुम्हारे साथ। आपने कहा ठीक है अगर आपकी ऐसी इच्छा है। और इन्होंने ताज होटल है यहाँ बम्बई में, वहाँ रेंदेवू नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक टेबल बुक कराई, आप लोग पहले भी वहाँ जा चुके थे, फिर ये आपको लेने के लिए आए। आप पार्टी में गईं, पार्टी थी राज कपूर साहब की, और जिस तरह से आपकी मुलाकात हुई राज कपूर साहब से, उन्होंने कहा कि, और ये इनकी किताब में ऑटोबायोग्राफी से मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था तुम हमेशा वाइट पहनोगी, तुमने वाइट नहीं पहना आज। तो जिस तरह से आपका इंटरेक्शन था, तो उसके बाद ये सज्जन, इन्होंने कहा कि कब चलना है पार्टी में, उन्होंने कहा नहीं अब रहने दो, और वो अकेले चले आए। देवानंद साहब ने इतने खुलकर, इतने कैंडिडली अपनी रोमांसिंग विद लाइफ जो ऑटोबायोग्राफी वो लिखा, मेरे ख्याल से ये वाक्य आपको याद है। उन्होंने कहा कि उनको अच्छा, अब आप मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं एक बिल्कुल साफ पर्सपेक्टिव इस वाक्य के बारे में सबके सामने रखूं। राज कपूर साहब ने मुझे उस वक्त सत्यम शिवम सुंदरम के लिए साइन किया था। मैं वहाँ गई एज हिज अबाउट टू बी हीरोइन। हमारा कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं था, ना उस वक्त था, ना उसके बाद था, ना कभी भी था। हम हमेशा डायरेक्टर और आर्टिस्ट ऐसे मिले। ही वॉज पैशनेट अबाउट हिज वर्क, आई वॉज पैशनेट अबाउट माई वर्क। अब ना ही उन्होंने मुझसे कभी कहा कि वाई डिडंट यू वेयर वाइट एंड कम। कभी भी उनके सेट पे या उनके फंक्शंस पे अगर आप पुराने तस्वीर, उन्होंने कहा कि कब चलना है पार्टी में, उन्होंने कहा नहीं अब रहने दो, और वो अकेले चले आए। देवानंद साहब ने इतने खुलकर, इतने कैंडिडली अपनी रोमांसिंग विद लाइफ जो ऑटोबायोग्राफी वो लिखा, मेरे ख्याल से ये वाक्य आपको याद है। उन्होंने कहा कि उनको अच्छा, अब आप मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं एक बिल्कुल साफ पर्सपेक्टिव इस वाक्य के बारे में सबके सामने रखूं। राज कपूर साहब ने मुझे उस वक्त सत्यम शिवम सुंदरम के लिए साइन किया था। मैं वहाँ गई एज हिज अबाउट टू बी हीरोइन। हमारा कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं था, ना उस वक्त था, ना उसके बाद था, ना कभी भी था। हम हमेशा डायरेक्टर और आर्टिस्ट ऐसे मिले। ही वॉज पैशनेट अबाउट हिज वर्क, आई वॉज पैशनेट अबाउट माई वर्क। अब ना ही उन्होंने मुझसे कभी कहा कि वाई डिडंट यू वेयर वाइट एंड कम। कभी भी उनके सेट पे या उनके फंक्शंस पे अगर आप पुराने तस्वीरें देखो, आई हैव नेवर वॉर्न वाइट, नेवर। और एंड नेवर हैज ही सेड वाई डिडंट यू वेयर वाइट। अब क्या होता है कभी कभार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक कहानी बनाने में या किस्सा बनाने में या हाइंडसाइट से कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ जुमले बीच में डाल देते हैं। अब देव साहब का क्या पर्सपेक्टिव था मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव था, मैं हक से कहती हूँ कि बिल्कुल गलत था। चलिए, ये अब मैं अपनी किताब में इसके बारे में जरूर लिखूंगी। जी, मैं ये पन्ना ही पलट देता हूँ, मैं दूसरे पन्ने पर आता हूँ। I admire Dev साहब, I respect him, but this was not correct। ठीक है, आपने बहुत बहुत साफ कर दी ये बात, क्योंकि इसका कई जगह इसके बारे में लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है आपने ये बात साफ कर दी। पर इधर देख रहा हूँ, अगर आज की बात करें तो आप सोशल मीडिया पर आ गई, ये आपको अभी, कैसे अभी, अभी, अभी। ये कैसे आपको शौक हुआ? जितने लोग देख रहे हो जीनत जी को जरूर फॉलो करें, वो सोशल मीडिया पर हैं। जी जी, मैंने आपका ऐड भी कर दिया। जी बस यूं ही ऐसे ही माय फैमिली सेड टू मी के व्हाई डोंट यू कम ऑन सोशल मीडिया। तो मेरे बच्चों ने मुझसे कहा, तो मैंने उसके बारे में सोचा। मुझे पहले से भी बहुत शौक था लिखने का, और ये देव साहब मुझसे कहते थे कि वाई डोंट यू राइट, बिकॉज यू डू राइट डिसेंटली। तो उस वक्त मैंने
तो इस वक्त जब बच्चों ने कहा तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जीनत जी बहुत अच्छा लिखती हैं, इतना अच्छा लिखती हैं कि मैं क्या बोलूँ। और मैं चाहती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि वन डे यू विल राइट योर ऑटोबायोग्राफी। थैंक यू माय डार्लिंग, थैंक यू। अच्छा जी, अगर आज की बात करें तो एक मुद्दा पिछले दिनों बहुत उछला, वो पठान फिल्म का था। आप सेंसर बोर्ड की चीफ रहीं, आप कैसा आपका नज़रिया है इस बारे में? आप पहले सेंसर बोर्ड की चीफ थी, अभी तो नहीं है, कैसे देखती हैं आप इसको? आपने बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा है, मैं कोशिश करूंगी इसका जवाब देने के लिए। पहली बात यह है कि पठान वॉज नॉट सेंसर्ड जब ये बवाल उठा, क्योंकि YouTube पे गाने आ गए थे। अब सेंसर बोर्ड क्यों है? अगर आप लोग बैठ के सेंसरशिप करने वाले हैं तो फिर सेंसर बोर्ड का मतलब नहीं रहता। मैं ये सोचती हूँ, दिस इज़ माय फीलिंग्स, कि सेंसर बोर्ड जब है तो उससे ज़्यादा सेंसर बोर्ड घर में होना चाहिए, माँ बाप को सेंसर बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि क्या बच्चे देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, आजकल इंटरनेट है, सब कुछ, सब सुविधाएं हैं, तो माँ बाप अगर नहीं देखें कि क्या देख रहे हैं बच्चे, तो सेंसर का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। हम बैठ के सेंसरशिप करते हैं बट उसके बावजूद कई चीज़ें निकल जाती है और माँ बाप बैठे हैं, बच्चे देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए पठान के लिए ये गलत हो रहा है, क्योंकि पहली बात कि हमारी फ़िलहाल इंडस्ट्री बुरी टाइम से गुजर रही है, तो अगर पिक्चरें चलेगी नहीं तो इंडस्ट्री डाई कर जाएगी। इंडस्ट्री में एक पिक्चर के लिए कितने लोग काम करते हैं, उनकी रोज़ी रोटी सब चली जाएगी अगर फिल्म इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी। अगर आप हर पिक्चर को इसको बैन करो, उसको बैन करो, तो क्या होगा हम लोगों का? तो मुझे तो दुख होता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इतने रोल किए, पर ऐसा एक कोई रोल जो आपको लगता है कि काश मैंने ये रोल भी किया होता, आशा जी अगर आपसे पूछूं, फिर मैं जीना जी आपसे पूछूंगा ये सवाल, ऐसा कोई रोल जो मैं से? मदर इंडिया में नरगिस जी ने जो काम किया था वो आज भी याद रहता है, काश मुझे भी ऐसा एक रोल मिलता। क्या खास बात लगी आपको उस रोल में? कितने शेड्स थे, एक औरत क्या क्या करती है, कितनी हिम्मत वाली है, जो हम कहते हैं ना कि अ वुमन इज नॉट दैट पावरफुल, बट हियर इन द विलेज A woman is so powerful. She goes through all the agonies. तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एक रोल ऐसा था जो, और नरगिस जी ने खूब निभाया। जी, मैं आपसे अगला सवाल यही पूछूंगा कि ऐसा कौन सा आपने जो रोल किए जो आपको बहुत पसंद आता है, आप सोच लीजिए, पर जीनत जी आपको कोई ऐसा रोल जो आपको लगता है कि काश मैंने ये रोल किया होता? इन्होंने मदर इंडिया बताया, आप नहीं? जो कुछ मुझे मिला करने के लिए मैंने खुशी खुशी किया, कुछ अच्छे थे, कुछ इतने अच्छे नहीं भी थे, और मेरी ऐसी कोई ख़ास ख्वाहिश है भी नहीं। बट अगर अब कोई एज अप्रोप्रिएट रोल मिल जाए, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू इट। अभी भी आप करना? एब्सोल्युटली, एक कलाकार की क्रिएटिविटी कभी ख़त्म नहीं होती, एम आई राइट? बिल्कुल, या अच्छा जी, आप भी अब अगर कोई रोल मिले ढंग का तो आप करना चाहेंगे? नहीं, नहीं नहीं नहीं, काम नहीं करना। बहुत काम किया, बहुत बहुत काम किया, स्टेज किया, फिल्म किया, टीवी डायरेक्ट किया, टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए, अब सब कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर भी रहे, थिएटर ओन भी किया, सब कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं करना, अब आराम करना। आराम करते करते आप कभी कभी अपनी पुरानी फिल्में देखती हैं
और कोई चीज़ आपको बहुत ऐसा रोल है जो आपको लगता है कि हाँ ये मैंने ठीक ठाक काम किया इस पर, ऐसे कौन सी कोई फिल्में हैं, कोई रोल हैं? मेरे पिक्चरों की जी नहीं, वो तो कभी सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है, वो एक शॉट देने के बाद ही होता है, अच्छा मैंने थोड़ा सा इधर ऐसा कर लिया होता, ऐसा कर लिया होता तो अच्छा होता, तो ऐसे फिर भी जो रोल आपको पसंद हो कोई एक या दो? नहीं, ऐसे रोल्स तो जो भी मैंने किए मैंने पसंद करके किए हैं, आई हैव नॉट जस्ट डन इट। जी जीना जी, आप जब पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम माई वर्स्ट क्रिटिक, मुझे सब बुरा लगता है, तो बट आउट ऑफ द फिल्म्स दैट आई हैव डन जो विच स्टैंड आउट इन माई मेमोरी, मेरी शुरुआत टू स्टारडम हरे रामा हरे कृष्णा से हुई, फिर मुझे मौका मिला एक अलग किस्म का रोल करने के लिए, वो दैट वॉज इन सत्यम शिवम सुंदरम एंड रोमा फ्रॉम डॉन, शीला फ्रॉम कुर्बानी, सब हटके अलग अलग किस्म के रोल थे, तो आई एंजॉयड ऑल ऑफ देम। सुनिए, हमारी एक जर्नी रह चुकी है और हर कदम पे एक माइलस्टोन रहा है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट वन। सब अच्छे थे। फिल्मी जो दुनिया रही जिसमें आप लोग दोनों रहे, उसके लोग क्या आपकी ज़िंदगी में अभी भी आते जाते हैं? तब के कुछ लोग हैं जो अभी भी, जिनसे अभी भी दोस्ती कायम है, जिनके साथ आपकी बातचीत होती हो रेगुलर बेसिस पर, या अब वो दुनिया से आप आगे चले गए? दोस्ती तो सबसे है, लेकिन कुछ लोगों से दोस्ती ज़्यादा होती है, कुछ लोगों से कम होती है, तो दोस्ती तो सबसे है। ज़्यादा गहरी दोस्ती आपकी किन किन से है? जी किन किन से आपकी गहरी दोस्ती है अभी? वहीदा जी है, हेलन जी है, जीनत जी है, सायरा जी है, इन सबसे दोस्ती है। जीनत जी आपकी? देखिए, ये जो फिल्म का माहौल है, दुनिया है, हम लोग जब मिलते हैं तो बहुत दिल से मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं और अच्छी तरह से साथ में काम करते हैं, तो जी आई एम इन टच विद पद्मिनी, विद रेखा, विद हेमा जी, विद आशा जी, विद क्वाइट अ फ्यू पीपल, बट डे टू डे लाइफ में ऐसा तो नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें की और इतने पुराने दिनों की याद दिलाई, और आवाज़ से बिल्कुल अगर टीवी बंद कर दिया जाए तो लगता है कि बिल्कुल 70 का, 60 का, 80 का दशक चल रहा है। थैंक यू।